आई नो आज आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने हेयर कलर किया है और मैंने सोचा कर ही लिया है तो दो चार दिनों के लिए रखते हैं इसको, एक वीडियो शूट कर लेते हैं अपनी मेमोरीज के लिए। बट एक्चुअली में मेरे को ये कलर नहीं चाहिए था, मेरे को सिल्वर कलर चाहिए था और सिल्वर कलर को करने के लिए मेरे को पहले ब्लोंड करने थे और ब्लोंड करने के बाद मैंने सिल्वर कलर किया लेकिन उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया। तो कमेंट करके बताओ आपको आपको ये कलर कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी। यार इतना बेकार लग रहा हूँ ना, मैं खुद वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे को देखने में अजीब सा लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि मैं दोबारा रीटेक ले रहा हूँ अपनी, कि मैं एंगल से बढ़िया लगूँ, ये लगूँ वो लगूँ, लेकिन सी लग रहा हूँ। वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आधा अपार्टमेंट टूर तो ऐसे ही दे दिया था वीडियो बनाते बनाते, बट इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कितने रूम है, कितना रेंट पड़ता है, कैसे मिला, कहाँ से मिला, ये सब चीज़ें। ओके, अपार्टमेंट टूर देने से पहले आपको बैठ के बता दूँ कि अपार्टमेंट हमें कहाँ से मिला, कितने का मिला और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई इस अपार्टमेंट को लेने से पहले। तो ये जो हमें अपार्टमेंट ये मिला हमें हाउसिंग एनीवेयर पे, तो जिसका लिंक जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसका जो रेंट है वो है 1680 यूरो, मतलब पर हेड पड़ता है, हम चार बंदे शेयर करते हैं तो पर हेड पड़ा हमें ये 420 यूरो के आसपास, जो कि कोल्ड रेंट है, होम रेंट नहीं है। कोल्ड रेंट मतलब जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस का, वाईफाई का, ये सब बिल अलग से पे करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ मिला के हमें पर हेड जो पड़ता है वो 450 यूरो से लेके 460 यूरो के बीच बीच में हमें पर मंथ रेंट पड़ता है, होम रेंट। और इस अपार्टमेंट का टोटल साइज़ है वो है 71 मिलीमीटर। अगर आप हाउसिंग एनीवेयर पे अपार्टमेंट लेते हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा रहता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज की मैट्रिकुलेशन लेटर, आपको आईडी, आपका पासपोर्ट होगा या रेजिडेंस परमिट यहाँ पे है वो दिखा दो। उसके बाद आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है, चाहे आप स्टूडेंट्स हो चाहे ना हो। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हो तो साथ में पार्ट टाइम या मिनी जॉब कुछ करोगे तो उसकी सैलरी स्लिप आप अपने साथ में लगा सकते हो। इसके अलावा जो हमने ये अपार्टमेंट लिया है ये टोटली अनफर्निश्ड अपार्टमेंट था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, किचन तक अनफर्निश्ड थी। तो वो बाद में ओनर ने 10-15 दिनों के बाद फर्निश्ड कर दी खुद अपनी तरफ से, बट उसके अलावा बेड हो गया, वार्डरोब हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो हमने खुद से अरेंज की है। और ये सब होने के बाद मैक्सिमम एक वीक लेंगे आपको बताने के लिए कि आपको ये प्लेस ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया हो। तो ये है हमारे अपार्टमेंट का मेन डोर और थर्ड फ्लोर पे हमारा ये अपार्टमेंट है। तो इस डोर के साथ ही यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ स्पेस है जहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह रखते हैं और ऊपर कुछ स्पेस है, फालतू का सामान रखा हुआ है जो यूज़ में नहीं आता है। और इसके साथ ही ये पहला रूम है, पहला बेडरूम जिसमें ये बेड है जो हम दो बंदे शेयर करते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। और ये वार्डरोब है, ये जो भी देख रहे हो आप बेड और ये वार्डरोब, तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे वो हमने खुद बाय की हैं, खुद परचेज की हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, मैट से लेके फ्रिज से लेके और वॉशिंग मशीन तक सब कुछ हमने खुद से परचेज़ किया है। और ये बेड मैंने लिया था फेसबुक मार्केट से और फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा था, सिर्फ आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का इसका खर्चा पड़ रहा था, वो मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है। घर शिफ्टिंग की एक वीडियो रहेगी उसमें मैंने ये सब कुछ बता रखा है आपको कि ये बेड मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा था और ट्रांसपोर्टेशन का आई थिंक 40 यूरो मेरे को पड़े थे। और ये वार्डरोब भी मैंने सेकेंड हैंड ली है, ये भी फेसबुक मार्केट से। आने के बाद मैंने यहाँ पे LED लाइट फिक्स की थी और रात को क्या सेक्सी माहौल बनता है यहाँ पे मेरे रूम का, आपको छोटी सी क्लिप आपको शेयर करता हूँ अभी। और ये योगा मंडेला टेपेस्ट्री, लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको मैंने बताया था, ऊपर मेरे बैग पड़े हुए हैं। अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी ना अपार्टमेंट टूर की, तो उसमें जो वार्डरोब है वो काफ़ी मैसी थी, बट यहाँ पे आने के बाद मैंने चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश की है। यहाँ पे नीचे मैंने अपने पैंट्स वगैरह हैं, लोअर्स हैं और टी शर्ट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉस्मेटिक का सामान, क्रीमें श्रीमें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे गैजेट मेरे पड़े हैं, गोप्रो हो गया, बैटरीज हो गई, कैमरा हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। उसके बाद इस तरफ ये मेरे विंटर के क्लोथ्स पड़े हुए हैं सारे, जैकेट्स वगैरह, और नीचे स्वेटर और अपर हैं। तो मेरे रूम से बाहर निकलती यहाँ पे लेफ्ट साइड ये वॉशरूम पड़ता है, काफ़ी स्पेसिस वॉशरूम है। और यहाँ पे वॉशरूम ये भी हमने सेकेंड हैंड परचेज़ किया फेसबुक मार्केट से, ऊपर ऐसे ही हमने बॉडी जेल, फेस वॉश, क्रीमें वगैरह रखी हुई हैं क्योंकि अभी यहाँ पे स्लैब नहीं है,
सामान वगैरह रखने के लिए बाथ टब है और कुछ ऐसा है, हीटिंग वगैरह हर जगह रहेगी तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉशरूम से निकलने के बाद सामने एक मास्टर रूम है, इसको भी दिखाता हूँ आपको, बट पहले किचन में जाते हैं। किचन का तो ऐसा था कि पहले 15 दिन तो हमने ऐसे निकाले बिना किचन के, क्योंकि ये फर्निश्ड नहीं था। हमने जब बाय किया ये अपार्टमेंट, उसके बाद 10-15 दिनों के बाद ही हमने फर्निश्ड किया, तो वो 10-15 दिन निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो सुबह का तो हो जाता था, ओट्स वगैरह खा लिए, लेकिन रात का और शाम का खाना हमें बाहर से खाना पड़ता था। और घर पे कुछ भी नहीं था, गैस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो घर पे तो बनाना इम्पॉसिबल था, तो बाहर से खाना पड़ता था। और कभी कभी क्या होता था, एक टाइम की मील भी स्किप हो जाती थी, कभी कभी दो टाइम की मील भी स्किप होती थी, भूखे पेट सोना पड़ता था। किचन बहुत ही प्यारी बना रखी है उन्होंने, यहाँ पे ओवन दिया हुआ है, ऊपर ये गैस रही, और इसको क्या बोलते हैं, चिमनी, पता नहीं यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को भूल गया, ये वो रही। और काफ़ी वार्डरोब कपबोर्ड वगैरह यहाँ पे हैं, काफ़ी स्पेस है, इतना तो हमारे पास सामान भी नहीं है जितनी यहाँ पे स्पेस है। और ये डिशवॉशर दिया है, डिशवॉशर की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें फ्रिज की ज़रूरत थी, और हमने ओनर को बोला क्योंकि डिशवॉशर रहने तो फ्रिज है, तो फिर भी पता नहीं क्या उसके दिमाग में है, उसने हमें ये डिशवॉशर ही दी। और ये सिंक है, डिशवॉशर है, लेकिन फिर भी हम हाथों से मेन ये बर्तन वगैरह धोते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दो बार ट्राई किया डिशवॉशर में बर्तन धोने की, लेकिन वो यू नो अच्छे से साफ नहीं होते, तो जो मज़ा हाथ में धोने से है ना, वैसे भी आदत पड़ी है शुरू से हाथ से धोने की, तो यहाँ पे हम डिशवॉशर में कभी भी एक दो बार स्टार्टिंग में यूज़ किया, लेकिन अब यूज़ नहीं करते, सिर्फ धोने के बाद यहाँ पे बर्तन जो है सुखाने के लिए रख देते हैं हम। उसके बाद ये है काफ़ी कपबोर्ड और ये सब है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इतना बिल्कुल भी हमारे पास सामान नहीं है। और ये फ्रिज रही है, ये फ्रिज भी हमने सेकेंड हैंड परचेज किया और 70 यूरो की पड़ी थी हमें पर हेड, ये लगा लो 15-15-20 यूरो के आसपास पड़ी हमें। और ये चेयर्स ली है, उसके बाद ये डस्टबिन है, और वेंटिलेशन बहुत सही है यहाँ पे, नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े विंडोज़ है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पहले का अपार्टमेंट था वहाँ पे इतनी स्पेस, वहाँ पे इतनी वेंटिलेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको मस्त व्यू मिलेगा बाहर का, इतने बड़े बड़े मिरर्स हैं यहाँ पे, और दिन के टाइम तो लाइट ऑन करने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, काफ़ी प्यारा व्यू मिलता है। और रोड के बिल्कुल पास है ये घर हमारा, और आपको अब दूसरे रूम में लेके जाते हैं जो कि मास्टर रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, अभी मैसी है क्योंकि जस्ट एक मंथ हुआ है यहाँ पे मूव हुए, और चीज़ों को एकदम से हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, एकदम से चीज़ें नहीं लेके आ सकते, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं लगातार, हर रोज़ कुछ ना कुछ हम लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सॉरी आपको ऐसी मैसी सा दिखा रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा रूम है, ये बेड जो है ये हमने नए बेड परचेज़ किए हैं, ये अलग है वो अलग है, तो ये वार्डरोब है इनकी जो साथ में मेरे मेट्स हैं उनके। और ऐसा रूम है, ये प्रोजेक्टर लिया अभी कल परसों गेमिंग खेलने के लिए, और मेरे वाले रूम से कंपैरेटिवली ये रूम काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस तरफ है बालकनी, अब आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से आराम से मैं बोलता हूँ 8-9 बंदे आराम से खड़े हो सकते हैं इस बालकनी से, मस्त सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे इवनिंग के टाइम। और ऐसा है कुछ बाहर का व्यू, ओवन तो बिल्कुल पास में है, ये सामने पेड़ देख रहे होंगे जहाँ पे मैं हाथ कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट साइड ही ओवन है, और रेवे भी यहाँ से 200 मीटर दूर है, और बस स्टैंड भी यहाँ पे सामने रहा। उसके बाद इधर चले जाओ तो इधर कैनल पड़ती है एक छोटी सी, और सुपर मार्केट जितने भी हैं सब कुछ पास में हैं, वो रोड क्रॉस करके सामने इंडियन मार्केट है, और मेरा काम भी यहाँ से पास है, सब कुछ पास में है, तो ज़्यादा हमें ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता कुछ चीज़ें लेने के लिए, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मस्त है। ओवरऑल हमें एक अच्छी लोकेशन पे ये अपार्टमेंट मिला है, मैं तो कहूँगा कि बहुत सही जगह में मिला है। और अगर मॉर्निंग के टाइम यहाँ पे हम योगा वगैरह करना हो तो योगा भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज करनी हो तो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे एज यू कैन सी। और अभी तो विंटर भी आने वाला है, विंटर में तो ये स्नो यहाँ पे होगी और अच्छा व्यू लगेगा देखने को। बस अब एक चीज़ जल्दी से हमें बाय करनी है, वो है कर्टन, क्योंकि यहाँ पे कर्टन ही है और सामने से लोगों का फुल एंटरटेनमेंट रहता है यहाँ पे देखने के लिए कि चल क्या रहा है इनके यहाँ पे। और ये रही क्या बोलते हैं कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड,
और ये भी खुद परचेज किया है। तो ऐसी चीजें गिनाने बैठो ना तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें हमने बाय की है और रोज ही कर रहे हैं। छोटे मोटे खर्चे 5-10-15 यूरो का खर्चा हर रोज आ रहा है कि ये ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट की यही दिक्कत है कि अगर आपको पता होना कि आपने 2-3 साल रहना है यहाँ पे, फिर तो कोई सही नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है आपने 6 मंथ के बाद कहाँ पे ट्रैवल करना है, कहाँ जाना है, तो ये सब चीजें यहीं पे रह जाती हैं और अब बाद में आपको ये चीजें बेचनी पड़ती है या फिर यूजलेस हो जाती है। आप इसको ऐसा भी नहीं है कि उठा के दूसरी जगह मूव कर लो, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है और मूव करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा, दूसरी बार लोकेशन अच्छी ढूंढना, तो अगर हम यहाँ पे आप फर्निश्ड कर ही नहीं है चीजें लेके आ रहे हैं, तो हमारा डेफिनेटली प्लान है कि यहाँ पे कम से कम 1-1.5 साल तो रहेंगे। बट ये है कि अभी हमने मोटी मोटी चीजें तो बाई कर ली हैं, सोने के लिए बेड वगैरह सामान रख लिए, वार्डरोब, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब ले लिए हैं। छोटे 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 खर्चे हैं, वो धीरे धीरे एडजस्ट होंगे और एक बार आपको जब अच्छे से ये सब सेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी चीजें, उसके बाद आपको एक प्यारा सा अच्छा सा छोटा सा एक लुक दूंगा यहाँ के अपार्टमेंट का, जो भी है जैसा भी है, अभी के लिए मैंने आपको बता दिया। और आई होप आपको ये अपार्टमेंट टूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो और कुछ पूछना चाहते हो उस अपार्टमेंट के बारे में, या कुछ भी है कि कैसे हम यहाँ पे एक अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी साइट्स हैं, जो भी आपने पूछना हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे को भी पता होगा चीज़ों के बारे में, जितनी भी मेरे पास नॉलेज होगी, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और एक और बात, आने वाली वीडियोस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं उस जगह ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे जाने के लिए मैं बचपन से सोचता था। तो आई होप मैं जैसा सोच रहा हूँ, जैसे मैंने प्लान किया है, वैसा मैं कंटेंट बना सकूँ और आपको दिखा सकूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, नए कंटेंट के साथ, नई जगह पे, नए लोगों के साथ, नई चीज़ों के साथ। और आई होप ये वाली वीडियोज़ भी आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। तो इस वीडियो को रखते हैं अब यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ख्याल रखें आप अपना, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, अपनी कंट्री का। जय हिंद एंड पीस आउट। ओके, अपार्टमेंट टूर देने से पहले बात कर लेते हैं कि अपार्टमेंट में, ओके अपार्टमेंट